हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? और आज तो भाई सबे बरात है, इस मौके पे आज अपन नमाज भी पढ़े हैं। क्या बात है फारूक भाई? अस्सलाम वालेकुम। वो क्या कुर्ता पजामा एकदम मस्त था, डीसीसी मार के लिया ऐसी लेने का थोड़ा रोलर में क्या तुम झोला झपड़ा तंगी घूमते दिन भर कितने मस्त दिख रहे ना भाई। और ये मेरे दोनों बच्चे लोग को देखो, असन दिखाओ जरा कुर्ता पजामा तुम्हारा भी, उठो खड़े हो। हाँ माशाल्लाह मेरा ये भी बेटा, ये बेटा भी देखो हीरो बन के ना लेटा है, इसको आ रही है नींद पर ये सो रहा नहीं, एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने लगा के दिया गुलाम रसूल और मिलते हैं। मेरा होठ ऐसा दिख रहा है क्योंकि ना बहुत जहर फट गया है, तो मैंने ना उसको वैसलीन ज्यादा ही भर के लगा दिया क्योंकि चुरचुरा रहा बहुत था। और देखते हैं मेरी औरत क्या कर रही है। तो सबाना तो चावल बनाने जा रही है? नहीं नहीं कुछ कर रही, बताऊंगी। क्या बताएगी तू, क्या बताएगी? मैं बना रही हूँ जर्दा। जर्दा मीठा चावल? मीठा चावल तो चलो ठीक है। देखो इतना चावल सही रहेगा? सही रहेगा, कम कर दो। नहीं सही है, हाँ चलेगा, बना दे चल। देख हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मस्त हूँ। मैं जा रही जर्दे की तैयारी करने के लिए। बेटा यहाँ मत करो, यहाँ घान मत करो, जाओ जाओ जल्दी खाओ। और तो क्या बोल रहे? बस तैयारी वेरी करो, बनाओ फिर दिखाती। ठीक तो चलिए गाइस थोड़ा थोड़ा मिलते हैं क्योंकि मेरे पास ना दो ब्लॉग पेंडिंग में पड़ा है। मैं इतना बड़ा आलसी हो गया हूँ कि मेरे को डालने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इसके लिए पहला भी ब्लॉग एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं सीधा सबाना जर्दा बनाने के बाद। सबाना की तैयारी चालू है, यहाँ पे लौंग ज्यादा मत डालना सबाना, लौंग सिर्फ तड़के के लिए। फिर काजू बादाम खोपरा, यहाँ पे हमारा चावल, ये टोप है। और इसने इतना बड़ा फटका दिया, जितना हीटर गरम कर दिया इतना हीटर कि वायर जला डाली इसने। देखो तो यहाँ पे पूरा वायर जल गया, धाड़ चावा जाए इसको तो हालत खराब हो गई। बोले क्या हो गया, फूट तो नहीं गया हीटर? डर गई थी, पूरा धुआं धुआं हो गया था ना। चलो ठीक है, चलो फटाफट बनाओ। आज भाई के घर पे दावत आई थी, आज तो खाएंगे दबा क्या सब है ना, खाएंगे आज खाएंगे। ठीक है चलो बेटा फटाफट बनाओ, फिर अपन जाते हैं अपन। हसने तुम क्या कर रहे हो बेटा? चलो सो जाओ तुम भी थोड़ा, एक तो मेरे बच्चा सो गया, चलो सो जाओ तुम भी। नहीं सो गए? चलो ठीक है बैठे। तो सबाना क्या हुआ? सबाना शर्मा लिया बोले जल्दी क्या हुआ? कल गिर गई थी ना इसके शर्मा। अच्छा ये माशाल्लाह मेरी औरत के हाथ का जर्दा। चलो ठीक है अभी अब आ रहे, बस फाती की तैयारी कर दी हूँ पूरी, फातिया दिलाता हूँ और उसके बाद में अभी गाइस यहाँ पे हम लोगों को माइक की अजान की आवाज तो आती रहेगी और मतलब हर चीज की आवाज आएगी जो भी अगर नाश्ता बोले। हाँ तो इसके लिए ना थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा किसी को आवाज सुनाई भी नहीं आएगी ना, अपनी अपनी आवाज सुनाई भी नहीं आती रहेगी इसके लिए। हम जोर की बोलेंगे भाई, अल्लाह का शिकार होने दो, हम जोर की बोलेंगे बोलो। तो यहाँ हमारा भातिया चालू है, तो हम पर भातिया दिलाएंगे। तो फातिया दिला के माशाल्लाह हो गया है और मैं जा रही हूँ यहाँ सबको बांटने के लिए। देखो मैंने से इसको प्लेट में लेकर आई हूँ, सजाई हूँ, मतलब वो बर्थडे की प्लेट आती ना कागज वाली उसमें ली हूँ। तो मैं आगे भी सबको बांटूंगी इंशाल्लाह, आगे जहाँ तक पहुँच पाएगा वहाँ तक सबको बांटूंगी। और घर के बर्तन नहीं ली क्योंकि अभी सब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो मैंने ऐसे प्लेट ले ली है ना, ये सही रहेगा, खाओ और फेंको। आई एम दिमाग, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं चलाती नहीं। चलो मैं खैर में जाके बांट कर आती हूँ। भैया हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे खाना खाने। ये छुपे पुदीना, ये देख सब ना इधर सारी होटल में, पुदीना चाहिए, मिर्ची चाहिए, लहसुन चाहिए। लहसुन तो नहीं मांगी मैंने, बोली नींबू चाहिए। हाँ नींबू है तो चलेगा, कोई बात नहीं, नींबू नहीं दही चाहिए। दही खाती अच्छी लगती है। ऐसे बैठो चलो, दही सूख गई, कड़क हो गई दही, फ्रिज में रख के रखी कड़क हो गई दही। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए और अब्बा स्टार्ट भी कर चुके हैं। आओ खाना खाने, चलो गाइस फिर सीधा खाना खाने के बाद कमेंट में सब लिखो बारह कल्ला बारह कल्ला।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ना मौलान साहब तुमको तकलीफ देना नहीं बोले कोई भी। थोड़ा बस हो गया स्नेह चलो ठीक है। क्या हो सुबह सुबह गुस्सा कर दी मेरे पे मेरी जानू मेरी औरत अल्लाह मेरी औरत मेरी औरत गुस्सा कर दी मेरे पे। क्या हो गया सबाना क्यों गुस्सा कर दी गुस्सा कर दी तू तुम्हारी हरकत बताओ फिर मैं बताती हूँ। आप गुस्से में हो? हाँ अरे बाप रे मेरे देखो डर लगेंगे आप भी बोल मत। तो गाइस हम लोग की सुबह हो चुकी है और मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। देखो किस पोजीशन में हूँ मैं जा रहा हूँ काम पे और सबाना यहाँ पे गुस्सा हो गई क्योंकि व्लॉग थोड़ा मेरे से ऊपर नीचे हो गया। ऊपर नीचे हो गया क्या आगे पीछे हो गया? अरे वही मतलब आगे पीछे हो गया मेरे को रसना वाला पीछे डालने का था तो मैंने रसना वाला आगे डाल दिया। अब इसमें आधा मिलेगा जी कल के व्लॉग में। अरे एक तो टाइम पे व्लॉग एडिटिंग करते नहीं है ऐसी तीन तीन दो दो तीन तीन व्लॉग मेरे पास में पेंडिंग पड़ा रहता है। और वो आइसक्रीम वाला व्लॉग बनाई थी पहले मैंने एक पार्ट में आधा दिखाई थी तो मैं बोली व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आधा पार्ट मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी तो क्या पब्लिक को समझ जाएगा कि भाई वो क्या कि जो आधा दिखाने वाली थी पहले उसको बाद में डाले और जो बाद में दिखाने वाली थी उसको पहले डाल के बैठ गए। तो थोड़ा सा उल्टा हुआ ज्यादा नहीं वो चलता है अपना। अरे चलता बोले तो ऐसा कैसा चलता कुछ भी चला लेने का क्या। तो चलिए ठीक है कोई नहीं होते रहता है सबसे ऊपर नीचे होता है मेरे से भी हो गया थोड़ा बहुत। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि हाँ भाई रसना तो रसना ही होता है कि नहीं कहीं से भी समझ लेना थोड़ा। अब तुम समझाएंगे तो जाहिर सी बात है समझना ही पड़ेगा समझ जाएगी सब। और यहाँ देखो ये रात में भाई के घर पे से खाना खाने के आने के बाद ये चले गए कब्रिस्तान भाई लोग के साथ में। मैं आई यहाँ फटाफट पूरा बर्तन घसी स्कूल का कपड़ा इसका धोके डाली वाली फिर पढ़ते पढ़ते कम मेरे को नींद नहीं गई मेरे को पता ही नहीं सो गई थी। ये तो तुम लोग ढाई बजे आए ना? ढाई बजे सो हाँ ये ढाई बजे आए इसके बाद में सो गए। भाई बच्चे छोड़ के जाते ना भाई एक बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाता है एक बच्चा टीवी लेके बैठ जाता है। मैं बच्ची गरीब काम कर रही थी रात में पूरा पूरा गैस घसी बर्तन घसी पूरा काम पूरा करके तब पढ़ते बैठी थी। ये ढाई बजे आए और आते सो भी गए। मैं तो कितना 4 बजे तक जागी हूँ नींद आती थी 4 बजे तक पढ़ती जाना था। आप पहले बोल दिया भैया छुट्टी नहीं करना इसके लिए मैं तुम ढाई बजे तक से सो गया है ना। मैं जो समझ लो 12:30 बजे से जो लगी काम वम करके अपना 4 बजे तक स्कूल से लेके आ जाएगी मैं आ जाऊँ स्कूल से नहीं ले आऊंगी चलो ठीक है फिर मैं जाऊँ लेके जाना पड़ेगा। सॉरी मेरा बच्चा अब नहीं करूंगा बस अब नहीं करूंगा पक्का नहीं करूंगा। ऐसे करते हैं दो दो तीन दिन व्लॉग बना के रखी रहती हूँ और जिस दिन नहीं बनाऊंगी ना उस दिन चिल्लाएंगे व्लॉग नहीं बना रही है ऐसा कर रही है वैसा कर रही है व्लॉग के लिए मारे भी नहीं करूंगा आप नहीं करूंगा मैं मारा एक ही बार। तुमने मेरे को क्यों व्लॉग के चक्कर में एक लाफा नहीं मारे थे कि व्लॉग नहीं बनाती है ध्यान नहीं देती है ऐसा नहीं करती है वैसा नहीं करती है जब तीन तीन दो दो तीन तीन व्लॉग नहीं है एक ही पेंडिंग में क्या बात कर रहे हैं भाई ये तीसरा व्लॉग है क्या झूठ बोलते एक गया, एक गया एक दवे खाने वाला वो तो गया शादी वाला शादी और अभी ये जो कंटिन्यू कर रहे हाँ। तीन ब्लॉक नहीं हुआ तो गया ना दवा खाने वाला। चलो ठीक है अभी चलो फटाफट में आके फिर मैं एडिटिंग करके अभी डाल दूंगा 3 बजे ब्लॉक के लिए एक लाफा कान पे बजाए थे मेरे को। चले मैं जा रहा हूँ बनाती नहीं है ध्यान नहीं देती है दिन भर क्या करती है कुछ बनाती नहीं जब दो दो ब्लॉक रहते तो हम तो एक गाड़ी तक का नहीं देते बस हो गया तुमने सिर्फ लाख ही बजा डाले थे बस हो गया चल जा रहा हूँ खुद का टाइम आया तो बस हो गया है ना। तो हम आ गए हसनैन को स्कूल से लेने के लिए। हाँ हसनैन मम्मी बोलो मामा। अच्छा अरे वाह बड़ी गुड न्यूज है आज तो बड़ी वाली हसनैन टीचर से मार नहीं खाया है बच्चा मेरा सुधर रहा है भाई अभी पढ़ता है लिखता है सब करता है मेरा बेटा स्मार्ट हो गया मेरा बेटा है ना हसनैन अभी मेरा स्मार्ट हो गया है मेरा बेटा। और तुम्हारे लिए सरप्राइज है घर पे तुमको पता है क्या सरप्राइज है कोकोनट का जूस तुम बोले थे ना मेरे लिए रखना तो मैं आज ली थी ना तुम्हारे लिए रखी हूँ थोड़ा सा मैंने पी और थोड़ा अब्बा ने पिए थोड़ा तुम्हारे लिए रखी हूँ। हसनैन को नारियल का जूस पीने का था ना हसनैन चलो चलो तुम लोग को घर पे छोड़ू आतिम सो रहा है ना
तो मैं फिर क्या करी, दरवाजा थोड़ा सा आगे करके आंटी लोगों को बोल के आ गई हूँ। मैं बोला अभी उठा के क्या लेके जाऊँ उसको, और पीछे ये ज्यादा दूर नहीं है स्कूल इसकी, मैं अभी दो मिनट में आ जाऊंगी फटफट जाके, अभी इसको ले लूँ। अभी चलो फटफट, अभी सामान वामान लेने के लिए फिर बाद में जाऊंगी। आ गई आ गई। ठोक मत, बच्चा सो रहा है उसमें ठोक रहा है। चल भाई अल्लाह खैर, उठा नहीं। तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट शाम में, और ये हम सभी बारात वाले ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे ना सबाना, और मैं डायरेक्ट शाम में। हम आलसी नहीं है, सबाना आलसी है। तू कितना बना दे रहे मोटी अभी गाइस। मैंने गाइस में आया देखो, ये लगा दिया एक रैक यहाँ पे लगा दिया हूँ कि कपड़े वपड़े टंगाने के लिए पीछे, और है ना गाइस एक यहाँ पे लगा दिया हूँ क्या मतलब हीटर हो गया, तुवाल हो गया यहाँ पे टंगाने के लिए, है कि नहीं। यहाँ पे नहाए मोरी में, यहाँ से तुवाल ले लिए। जैसे ना बहुत दूर पड़ रहा था, मैं आपके साथ पहले एक काम किया, और मेरे घर का होम टूर कराने बोले तो मैं दिखाता हूँ मेरे घर का होम टूर, ठीक है। मैं अब भी दिखाऊंगा कि तो ये देखो मेरे घर का होम टूर, ये देखो ये मेरे घर का होम टूर है। इन लोग है ना ऐसा होम टूर करवा देना, देख रहे लोग। एक तो नजर आया इसको दिखाऊंगा जी, ये दोनों की दोनों इतना हैरान परेशान। नहीं गाइस, इंशाल्लाह ऊपर का पूरा सेटअप कर देंगे। ऊपर का बाकी है ना गाइस, इसके लिए नहीं दिखा रहा, ये थोड़ा सा बचेला है, थोड़ा इसकी हालत खराब है ना, इसके लिए इसको मालूम है कि मतलब कि कौन सा सामान कहाँ रखना है कौन सा नहीं रखना है, तो इसके लिए मैं ना अभी नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक ये थोड़ा फ्री हो जाएगी फिर उसके बाद में एक ही साथ में पूरा सेटअप करके। फ्री की बात नहीं, पैर में मेरे दर्द बहुत थी, इस वजह से मैं ऊपर चढ़ नहीं रही थी। तो मैं अभी तो इंशाल्लाह कम से कम कल ने तो परसों पक्का देने की कोशिश करूँ। एक तो दिन में हम उसको सेट करेंगे, क्योंकि गद्दा भी नहीं है ना, अभी गद्दा भी लेने का है हम लोग को, तो पलंग के लिए गद्दा लेने का, तो हम गद्दा लेने का है, दो गद्दा लेने का, एक पलंग के लिए लेने का और एक इसके लिए मतलब छप्पर वाला लेटने के लिए, 500 वाला वो कपड़े वाला आता है ना, 400 वाला था ना, नहीं 600 बोला था, 500 वही 600-500 में एक वो लेने का, एक अच्छा गद्दा लेने का, कोई मेहमान आवे तो ऊपर सो सके ऊपर, है कि नहीं, दो जान के लिए। तो उसको सेटवेट करके इंशाल्लाह पूरा अच्छे से सेटवेट करके अच्छे से कराऊंगा, जल्दी थोड़ा कराऊंगा, लेकिन थोड़ा आराम से, अभी कैसा सबर करो, अभी कैसा कंटिन्यू इनकी छुट्टी हो गई, अभी क्या काम पे अभी थोड़ा कवर भी कर रहे हैं, तो कैसा काम भी कर रहे हैं, फिर वहाँ से थक के आ जा रहे, फिर नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर खा लगा यहाँ पे। मैं गिरी है तट पे बोल के, आज करने का मूड किया तो ये मोटे अभी खाना बनाने के लिए खड़े होगी। मैं क्या करूँ, तो बनाने का ही है, बना चल खाना, तो मेरी वही जारी बाजार जारी लेकर आती हूँ कुछ, जाओ बनाओ फटाफट खाना पीना खाते, फिर उसके बाद अभी रात में करूंगा मैं इसको, अभी मैं सोच लिया कि मैं 12 बजे के बाद ही कर सकता हूँ। यही चीज बोली कि काम पे जब तुम थक्कर आते, थोड़ा देर एक दो घंटा आराम करके खाना वाना खा के अपन रात में ही थोड़ा थोड़ा करके करते है, पर बोले कि चल ठीक है आज का दिन जान दे, क्योंकि ये भी बहुत थक गया आज। चलो ठीक है, खाना आज नहीं अभी कल से चालू करते अपन अपना कार्य, धीरे धीरे चलो। ये मेरे घर का होम टूर, ठीक है, कहीं दिखा रहे हैं। ये है रियलिटी, है ना। अच्छा था, घर साफ था, बच्चे ने पूरा बाल्टी में से बिस्तर गिरा दिया, वो घान कर दिया, वाटर का पूरा डब्बा खोल के फैला दिया, इसलिए हो गया हमारा। अब ये काम मेरे पे आया जिम्मेदारी कि बिस्तर उठाओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, ठीक है। ये पोछा मारने का नहीं बोली मैंने, पोछा मतलब मानना तो पड़ेगा ना, यहाँ आप एक बात तो एडवांस ही बोलते और हम तुमको एडवांस पका के खिला रहे, दाल चावल बना रही तो चिकन बना, ये बना रही तो वो बना, साथ में थोड़ी रोटी भी बना देगी तो अच्छा ही रहेगा, और तुम चार एडवांस बोलते तो हम कुछ नहीं बोलते। चलो जाओ जल्दी, झाड़ू मारने बोले तो चलो चल निकल मोटी निकल। अबे पहले दबाना दरवाजा मोटी, दरवाजा दबाओ उसने, नहीं बेटा ऐसा दबाने का, फट से रख लिया। चलो जाओ, मैं गिरी ना सिंगा, पैर में लगा तो लगा मेरे को ना, ये शोल्डर पे ना, ये इतना यहाँ से इतना दर्द हो रहा, बर्तन घसते में तब पता चलता है यार, अभी कैसा ज्यादा कुछ हाथ वाथ नहीं लगी तो नहीं तो पता चला, जब बर्तन घसते में तब पता चलता है कि क्या माशाल्लाह दर्द हो रही है। चलो जाके जल्दी फटाफट सामान ले जाओ, ठीक है, संभाल के जाना, गिर पड़ मत जाना, बाजार भी नहीं जाते, मेरे को इतना बड़ा ढेगरा लेके जाना पड़ता है, पता है। चलो जाओ जाओ, दफा हो जाओ जल्दी, दफा तो हो ही जाएंगे एक नई दिन थोड़ी जिंदगी से। अरे जा रहे रोगे कहीं कोने में बैठ के, सब
जा रोए मेरे दुश्मन, मैंने रो जाऊ चल निकल।